दोस्तों 300 वीआईपी, 800 गेस्ट, 4,500 किलोमीटर का सफ़र और पानी में होने वाली है, बता दूं आपको, इस साल की सबसे बड़ी, या कह सकते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी प्री वेडिंग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के सेकंड प्री वेडिंग फंक्शन की। जामनगर में जाम लगाने के बाद अब ये चार चांद लगाने जा रहे हैं। इस बार मैं बिल्कुल, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस बार ज़मीन पे नहीं, पानी पे होने वाली है इनकी सेकंड प्री वेडिंग। और इनको अगर एक लाइन में अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये भी कहना चाहूँगा कि अगर एक विवाह ऐसा भी, लेकिन एक प्री वेडिंग ऐसी भी जहाँ पे इस तरह का स्टार्स का मेला लगने वाला है, अगर बात की जाए तो एक के बाद एक डिटेल आपको इस पूरी वीडियो में दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देना और कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि इनकी इस बार की सेकंड प्री वेडिंग क्यों खास होने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे इस सदी की या इंडिया की सबसे बड़े और सबसे अमीर फैमिली में से एक, अंबानी फैमिली में से। अब अंबानी फैमिली इस बार पहुंच चुकी है फ्रांस, इटली से फ्रांस का एक सफर जो है वो पूरा करने वाली है, भूमध्य सागर में, जहां पे इटली से साउथ फ्रांस की तरफ वो बढ़ेंगे और पूरा यूरोपियन सी के बीच 4 दिन तक ये प्री वेडिंग फंक्शन चलेंगे, जहां पे आज मेहमानों के जो कह सकते हैं पहुंचना शुरू हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो इंडिया से काफी सारे गेस्ट और उद्योगपति यहां पे जाने वाले हैं। और इसी बीच अगर बात की जाए तो पूरी जो डिटेल है हम आपको देने वाले हैं इसमें। और ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस क्रूज़ में ही, इस क्रूज़ का नाम है सेलिब्रिटी एक्सेंट, इसी क्रूज़ में इनकी शादी होने वाली है और इसके बारे में सारी डिटेल आपको देता हूँ। तो अगर बात की जाए तो इस काफ़ी ज़्यादा ये खास होने वाली है प्री वेडिंग, क्योंकि 4 दिन तक इसी क्रूज़ शिप में इटली से फ्रांस का जो 4,500 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले हैं। और अभी आज के दिन अगर बात की जाए तो सलमान खान, शाहरुख सब वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो मैं बात करूँगा क्रूज़ के बारे में। क्रूज़ के बारे में आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये क्रूज़ है, इस क्रूज़ का नाम है सेलिब्रिटी एक्सेंट। और इसकी अगर कीमत की मैं बात करूं तो लगभग 7,500 करोड़ इसकी कीमत है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो इस क्रूज़ की अगर पैसेंजर कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 3,280 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन अंबानियों ने सिर्फ इस समय इन्वाइट किया है 800 गेस्ट को। लेकिन उसके अलावा भी अगर माइनस कर दे तो लगभग 3,000 के गेस्ट अभी भी आ सकते हैं इसमें। तो बहुत बड़ा एक जहाज़ है। इसके अगर वजन की बात की जाए तो और चौड़ाई की बात की जाए तो 327 मीटर इसकी चौड़ाई है और 39 मीटर जो है इसकी लंबाई है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फैसिलिटी अंदर मौजूद हैं, आपको बता दूँ। इस क्रूज़ के अंदर 15 रेस्टोरेंट हैं, कैफ़े हैं और 12 बार लॉन्च हैं, जिसमें अब जो जितने भी हमारे गेस्ट हैं वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो क्रूज़ में एक कह सकते हैं सेंट्रल लैप पूल है, 2 हॉट वाटर पूल है, उस जकूजी भी आप उसको इंग्लिश में कहते हैं, और वहीं पार्किंग और वॉकिंग की भी अलग जगह है। और 2000 अगर बात की जाए 2023 के आंकड़ों की, तो इस क्रूज़ को तैयार किया गया था 2023 में, जो सेलिब्रिटी की जो ये पूरी इस क्रूज़ का जो एक अलग सा एक व्यवहार दिखता है, जहाँ पे 1,40,000 टन इसका वजन है, जिसमें कि 4 दिन तक जितने भी हमारे सेलिब्रिटी हैं वो इसमें घूमेंगे। और वहीं बात की जाए इसके व्यू की, तो 81% जो व्यू है वो बैल्कनी से वहाँ पे पूरा समुद्र दिखता है, 10% जो रूम का व्यू है वहाँ से ओशन पूरा दिखता है, जो हमारा साउदर्न यूरोपियन ओशन है वहाँ से उसका व्यू आएगा, और 9% रूम है जिसमें इनसाइड से, मतलब कमरे के अंदर आप कोई भी गेस्ट बैठा है या सो रहा है वहाँ से भी वो समुद्र को देख सकता है। और वहीं बात की जाए तो इसमें 25 कैबिन में व्हील चेयर भी है। व्हील चेयर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाती है क्योंकि अगर आपके पास कोई सीनियर सिटीज़न है या कोई बुज़ुर्ग आपके जो गेस्ट हैं वो हैं, तो उनके लिए स्पेशल 25 जो कैबिन है उनमें व्हील चेयर की भी जो है प्रेजेंस जो है वो रखी गई है। व्हील चेयर वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर रह के जो है वो उनका पूरा सेहत का ध्यान रखा जाएगा। और अब बढ़ते हैं इस क्रूज़ के आगे, अभी क्रूज़ की तो हमने पूरी बात कर ली, लेकिन क्रूज़ बहुत ही शानदार है और इसी में 4 दिन तक जो है सेलिब्रिटी है इसमें ये जश्न चलेगा और अंबानियों का जो एक अलग अवतार है वो इसी क्रूज़ में हमें देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब सेलिब्रिटीज़ कौन कौन से आ चुके हैं, कौन कौन से शामिल होने वाले हैं, हालांकि पूरी इनसाइड डिटेल्स तो अभी तक नहीं सामने आई, लेकिन जो जो भारत से रवाना हो गए उनमें से पहला नाम है सलमान खान का, दूसरा नाम है शाहरुख खान का, तीसरा नाम है MS धोनी और साक्षी धोनी का। और उसके बाद अभी बात की जाए तो रणबीर कपूर, राहा कपूर और आलिया भट्ट भी निकल चुके हैं इटली के लिए, इंडिया एयरपोर्ट से रात को रवाना हो चुके थे, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और वहीं पे बात की जाए तो अमिताभ बच्चन जी और आमिर खान, जो पिछली बार भी लोग आ रहे, जाह्नवी कपूर, तो ये सब आने की वहाँ पे आशा है। और वहीं पे अगर बात की जाए तो इस बार की जो गेस्ट लिस्ट है वो खास होने वाली है, क्योंकि 300 VVIP हैं, तो ये एक अलग एक एक्साइटमेंट बढ़ाता है अपने आप में। और वहीं अगर बात की जाए तो पिछली बार इनको सर्व करने के लिए सिर्फ 100-200 जो कह सकते हैं ना कि वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी एजेंट्स थे, लेकिन इस बार 600 पर्सनल हॉस्पिटैलिटी एजेंट्स रहेंगे जो कि हर एक गेस्ट को सर्व करेंगे। मतलब 800 गेस्ट के ऊपर 600 जो है वहाँ के हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ने एक अलग से, कह सकते हैं पिछली बार का
बजट था वो प्री वेडिंग का वो था 1250 करोड़ के आसपास, लेकिन इस बार का जो बजट बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार 2000 करोड़ तक का जो खर्चा जो है अंबानी परिवार इस बार करने वाला है। और आपको बता दूं, अगर 2000 करोड़ भी अंबानी जी की नेटवर्थ पे हम आए तो इनका 2% भी नहीं होता, तो आप सोच लो कि कितना पैसा भैया, मतलब ज़िंदगी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। अगला चलते हैं, अगले अगर हम बात की जाए तो इसके अगले पे आता है खाना। आपको पता है दोस्तों, अंबानी में जिस तरह का मेहमान नवाजी होती है उस तरह का खाना भी होता है, बिग फैट वेडिंग आप जिसे कह सकते हैं। और प्री वेडिंग इस तरह की है तो सोचो 12 जुलाई को जब ऑफिशियली शादी होगी वो किस तरह होगी। इसके मेन्यू की बात की जाए तो 4 तरह का इस बार खाने का जो है वो इस बार जो मेन्यू डिज़ाइन किया गया है उसमें आपको बता दूँ, पहला जो है वो है थाई फूड, यहाँ पे आपको जापानीज़ फूड यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा जो है इटालियन फूड आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपको मैक्सिकन फूड देखने को मिलेगा। और हाँ, इंडियन फूड भी रहेगा, क्योंकि गुजराती जो है वो कह सकते हैं कि ढोकला और ये सब खाए बिना नहीं रह सकते, तो दोस्तों वो भी पूरा एक इंतज़ाम किया गया। लेकिन हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक 4 तरह का क्यूजीन जो है वो जो मेन्यू है वो उस तरह से डिज़ाइन किया गया। तो ये मेन्यू के बारे में थोड़ी सी डिटेल थी जो मैं आपको बताइए। तो 4 तरह का जिसमें थाई, जापानीज़, मैक्सिकन और इटालियन, और इंडियन तो कंपलसरी है, तो ये सब अलग एक डिज़ाइन किया गया। और वहीं 12 बार हैं क्रूज शिप के अंदर, तो वहाँ पर जो बाकी ड्रिंक्स हैं वो भी इंजॉय कर सकते हैं, पूल पार्टी भी है वहाँ पे। और अब अगला चलते हैं अगली वाली स्लाइड की अगर बात करें तो डिज़ाइनर ड्रेस के बारे में। दोस्तों इस थीम से आने से पहले, मतलब पिछली बार जो थीम था अंबानी परिवार की जो प्री वेडिंग, फर्स्ट प्री वेडिंग हुई थी जामनगर में मार्च में 1 से लेकर 3 मार्च तक, उसमें जो थीम था वो था इको फ्रेंडली थीम, जिसमें कि 1000 से भी ज़्यादा पौधे लगाए थे अंबानी परिवार ने। लेकिन इस बार का जो थीम है वो है स्पेस थीम। जी हाँ, पहली बार इंडिया की कोई ऐसी शादी हो रही है जो कि शादी नहीं, प्री वेडिंग जो रिचुअल्स हैं वो है स्पेस थीम पे बेस्ड हैं। और आज तक किसी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि इंडियन प्री वेडिंग में इस तरह का कुछ ट्राई होने वाला है। तो स्पेस थीम को देखते हुए हमारी राधिका जी क्या पहनने वाली हैं अपनी जिस पूरी पार्टी में, पूरी ड्रेस क्या होने वाली है उनकी, वो भी स्पेस थीम से रिलेटेड है। आपको बता दूँ जो इनकी ड्रेस है वो डिज़ाइन की है ग्रेस लिंग ने, जो कि न्यूयॉर्क के बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं। और इस ड्रेस को अगर मैं थोड़ा जूम करना चाहूँगा, इस ड्रेस की एक खास बात है वो आपको मैं बताऊँगा। ये ड्रेस जो है दोस्तों एरोस्पेस एल्युमिनियम 3D टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जो कि पूरी एक फाइबर ड्रेस है, और इसमें कहीं ना कहीं कार्किंग का जो है वो उसका भी इस्तेमाल किया गया, जो आजकल वायर वाली ड्रेस चली है आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होगी, कांस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी इस तरह की ड्रेस, तो ये पूरी ड्रेस होने वाली है। और इस तरह का जो ये लुक है, पिछली ये पिछली प्री वेडिंग का लुक है, इस बार इस तरह का लुक जो है अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह का लुक जो है कुछ आपको देखने को मिलेगा। राधिका जी इस तरह के अवतार में जो है देखने को मिलने वाली है। और ये ड्रेस में पूरा एल्युमिनियम का इस्तेमाल हुआ है, और इसको 3D ड्रेस बनाया है। लेकिन जब क्योंकि रात की पार्टी है, रात की वेडिंग एक सूफी नाइट है, संगीत नाइट है, तो वहाँ पर ये जब स्टारी नाइट में परफॉर्म करेंगी तो ये अलग से एक शेड, अलग से एक 3D एलिमेंट जो है अलग से शाइन करेगा, जो कि 4 चांद और लगा देगा राधिका जी की शोभा में। तो दोस्तों थीम की अगर मैं बात कर रहा था तो उसी पर हम बात करते हैं। ये पीछे आप थीम देख सकते हैं, ये स्पेस है, ये प्लैनेट्स हैं। तो इसी बीच जो है पिछली बार का ये थीम है जो इको फ्रेंडली थीम था, आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं, इसमें जो है मुंबई के जंगलों की बात की गई है। मुंबई को जो हमारे जितने भी वहाँ के फॉरेस्ट हैं उसको बचाने के लिए एक थीम जो इको फ्रेंडली थीम था वो उन्होंने रखा था। और नो फायर क्रैकर्स, जो कि जो हम शादी में पटाखे जलाते हैं, प्री वेडिंग पर पार्टीज पर पटाखे जलाते हैं, उसको बैन किया गया था। ग्रीन, ओनली ग्रीन फायर वर्क्स हुआ था। और वहीं बात की जाए तो इस बार का थीम जो है वो ये थीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस थीम होने वाला है। और इसी तरह से भी इनकी ड्रेसेस डिज़ाइन की जाएंगी। और अब ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं थोड़ा आ जाता हूँ, ये है एलन मस्क भैया। अब एलन स्पेस की बात करें, एलन मस्क को याद ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब ये भी एक बड़ी बात होगी कि एलन मस्क भी क्या पता शामिल हो सकते हैं शादी में, और अगर वो आते हैं तो एक 4 चांद तो अलग ही लग जाएंगे। लेकिन हाँ, चांद भी पीछे हमारे देख सकते हैं, तो अब एलन मस्क भी इसमें शामिल होते नहीं होते ये अलग बात है। लेकिन ये थीम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन फैमिली में, इंडियन प्री वेडिंग में ऐसी चीज़ हो रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो अगले इनविटेशन कार्ड, जी हाँ दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी तक ऑफिशियली इन्होंने अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अंबानी फैमिली ने अपना इनविटेशन, जो कि सेलिब्रिटीज़ को, गेस्ट को एक इनविटेशन कार्ड जाता है, अभी तक ऑफिशियली वो नहीं आया था। लेकिन सोशल मीडिया पे इसकी कई सारी तस्वीरें जो हैं वो लीक हुई हैं, और हमारे पास भी एक सोर्स के अनुसार एक तस्वीर आई है, हालांकि ब्लर है, उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि एक वायरल फोटो है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो मैं देख पा रहा हूँ, इसमें लिखा है सबसे पहले तो सबको इन्वाइट किया गया, ग्रीटिंग्स दी गई है शुरू में, और इसमें दिखाया गया कि क्या क्या होने वाला है 29 मई
से लेके जो ये फंक्शन चलेंगे 1 तारीख तक, उसमें क्या क्या होने वाला है तो बात की जाए तो 29 मई को सबसे पहले है वेलकम लंच। वेलकम लंच मतलब जब पोर्ट से, जो एयरपोर्ट से जितने भी चार्टर प्लेन से सारे लोग उसमें क्रूज में आएंगे तो वेलकम लंच रखा गया है। और वो लंच की अगर बात की जाए तो 4 बजे के आसपास वो लंच है। और उसका अटायर है अपना क्लासिक कॉमन अटायर, जो कि कह सकते हैं कैजुअल अटायर भी होता है। उसके बाद है स्टारी नाइट, जहाँ पे जितने भी बॉलीवुड के जो गेस्ट आए होंगे, जहाँ जितने भी सिंगर भी, पिछली बार रिहाना और दिलजीत ने 4 चांद लगा के जो कह सकते हैं संगीत नाइट को एक अलग अवतार दिया था, वहीं इस बार भी स्टारी नाइट्स में जो भी गेस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे। और इसका जो है वो कैजुअल होने वाला अटायर इसका सब, देखो दोस्तों ब्लर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं पूरा देख पा रहा हूँ कि हर एक ओकेजन के आगे लिखा गया। और हर एक ओकेजन के आगे 1 तारीख तक जितने भी सारे हम देख पा रहे हैं इसमें, अगर 1 तारीख तक जितने भी प्री वेडिंग फंक्शन है सबको कवर किया गया है। तो ये कुछ डिटेल्स थी दोस्तों जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। और मैं अगर बात करूँ तो इस बार जितनी भी आज तक मैंने प्री वेडिंग्स देखी, आज के जितना भी हमने सुना है, तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला है हमारे भारत के लिए, हमारे भारत एक संस्कृति के लिए, क्योंकि इस तरह का अभी तक कुछ हुआ नहीं था। और वहीं बात की जाए तो इटली से फ्रांस तक का सफ़र जो है 4 दिन में कवर होने वाले हैं वो। और वहीं 4 दिन के अंदर जितने भी जश्न होंगे, जितने भी इनसाइड के विजुअल्स होंगे, अब आपके पास ज़रूर लाएंगे। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताई, जो मुझे लगा कि आपको ज़रूर जाननी चाहिए, जो कि अनंत अंबानी और राधिका अंबानी और अनंत अंबानी के जो भी प्री वेडिंग फंक्शंस हैं उनको लेके जो जानकारी थी वो आपको मैंने बता दी पॉइंटर्स के थ्रू। आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हुई है और आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं दोनों की प्री वेडिंग, सेकेंड प्री वेडिंग के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो हम मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से मिलेंगे एक और अनदर वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।